नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो यूपी स्कॉलर 2023-24 है उसका फाइनल स्टेटस है वो रिलीज हो चुका है सभी छात्रों के लिए। ऑल स्टूडेंट यहां पर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। किसी भी क्लास के छात्र हों, चाहे आप यहां पर बीए बीएससी बीकॉम डिग्री डिप्लोमा या फिर आईटीआई या फिर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं और आप कोई डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप सभी का यहां पर फाइनल स्टेटस रिलीज हो चुका है। तो आप यहां पर फाइनल स्टेटस अपना चेक कर सकते हैं और इसी के साथ यहाँ पर आपका करेक्शन भी आज 12 फरवरी से आपका स्टार्ट हो चुका है। करेक्शन भी अगर आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो गया है तो आप उसे संशोधन भी कर पाओगे। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है उसमें जो भी कमी रहती है उसे आप सुधार कर पाओगे। आज से लेकर आपका 15 फरवरी तक अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हो अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सब कुछ डिटेल के साथ हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपना यहां पर स्टेटस चेक करेंगे, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आप कैसे सही करेंगे और आपका किस कारण से फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उसे भी आप यहां पर संशोधन कर सकते हो। तो यहां पर आपका स्टेटस में देख सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। यहां पर आने के बाद जैसे आप अपना फॉर्म लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद यहां पर आप देखोगे तो यहां पर अभी आपका स्टेटस जो है पहले से ही आपका देखने को मिल रहा है। अगर आपको इस प्रकार से स्टेटस देखने को मिल रहा है यहां पर आपका फॉरवर्ड बाय स्टूडेंट, अब यहां पर अगर आप फाइनल स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यहां पर आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो नीचे यहां पर आपको स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा जैसे कि हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपका स्टेटस का ऑप्शन आ चुका है चेक करंट स्टेटस। तो यहां पर आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो यहां पर आपका फाइनल स्टेटस आ चुका है कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहां पर आपका फाइनल स्टेटस देखने को मिलेगा तो यहां पर आपकी सारी डिटेल मिलेगी जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं डिप्लोमा का है, यहां पर डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का इनका फॉर्म यहां पर जो है फाइनल स्टेटस रिलीज हुआ है यहां पर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन किस स्टेट में आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया, यहां पर आपका जो फाइनल सबमिट है आपने किस स्टेट में फाइनल सबमिट किया है, फॉरवर्ड बाय इंस्टीट्यूट की तरफ से यहां पर 29/12/2023 को इंस्टीट्यूट की तरफ से फॉरवर्ड किया जा चुका है। अब यहां पर आपको चौथे नंबर पर मिलेगा यहां पर आपका रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस, तो पीएफएमएस आपका भी पेंडिंग में है तो ये भी आपका वेरीफाई हो जाएगा 1 से 2 दिन के अंदर यहां पर आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा अगर आपका यहां पर पीएफएमएस पेंडिंग में पड़ा है। तो ये चीज आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है कि आप क्यों फॉर्म पेंडिंग में पड़ा हुआ, तो यहां पर आपका रिजेक्ट नहीं होगा पीएफएमएस की तरफ से क्योंकि आपने यहां पर एनपीसीआई से अकाउंट लिंक करने के बाद ही आपका एनपीसीआई सत्यापन होने के बाद ही आपका फॉर्म अप्लाई हुआ, इसलिए इसे आपका रिजेक्ट होने का कोई चांस नहीं, 100% ये आपका अप्रूवल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका यहां पर रिजेक्ट किया जाएगा पीएफएमएस की तरफ से। इस बार ऐसा नहीं होगा कि आपका फॉर्म पीएफएमएस की तरफ से रिजेक्ट किया जाए। अब दूसरी चीज यहां पर आती है आपका वेरिफिकेशन में, आपका पांचवें स्टेप पे आप देखोगे तो पेंडिंग आर डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यहां पर आपका फॉर्म डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो स्कॉलरशिप की कमेटी है उसके पास फॉर्म पेंडिंग में पड़ा हुआ है, इसका भी आपका इसमें आपका समय लग सकता है क्योंकि यहां पर आपका 15 मार्च से पैसा आने वाला है तो अभी आपके इसका समय है तो ये 15 मार्च के पहले पहले आपका यहां पर हो जाएगा और यहां पर आपका अप्रूवल होगा। इसके बाद यहां पर आपका पेमेंट जो भी रिलीज किया जाएगा स्कॉलरशिप आपको दिया जाएगा तो यहां पर आपको करंट स्टेटस में आपको यहां पर देखने को मिलेगा और यहां पर आपका जो भी स्कॉलरशिप होगा उसकी यहां पर धनराशि भी होगी और यहां पर आपका अकाउंट नंबर जिस अकाउंट में आपका स्कॉलरशिप का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना यहां पर अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो यहां पर आपको जैसे यहां पर आपका रिजेक्ट हो जाएगा तो यहां पर आपका रिजेक्ट होने की कंडीशन में तो यहां पर आप आओगे जब अपना स्टेटस में जैसे आप अपना फॉर्म लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपको यहां पर देखने को मिलेगा साइड में 3 डॉट पे, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपका जहां पर आपका संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र प्रिंट करने का ऑप्शन है इसी के नीचे यहां पर आपको संशोधन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तब इस कंडीशन में यहां पर आपका फॉर्म संशोधित करने का ऑप्शन मिलेगा, अगर आपका यहां पर फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है पेंडिंग रहता है तो यहां पर आपका जो संशोधन करने का ऑप्शन है वो यहां पर इनेबल नहीं होगा। तो यहां पर आपका जिन छात्रों का करेक्शन के लिए फॉर्म होगा उनका यहां पर करेक्शन विंडो ओपन होगा, बाकी किसी का करेक्शन विंडो नहीं ओपन होगा। तो अगर आपका यहां में कोई मिस्टेक है या फॉर्म रिजेक्ट है तो यहां पर आके अपना फॉर्म संशोधित कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे
पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं या फिर आप फेसबुक पे भी कमेंट कर सकते हैं, हमसे जानकारी ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।